नमस्कार दोस्तों, अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि जिसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस साल ये पर्व 30 अक्टूबर यानी कल है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माता लक्ष्मी का अवतार शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी देर रात में पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। पूरे साल में आने वाली सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का खास महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात जो भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी का वंदन करता है उसे धन संबंधित दिक्कतें दूर हो जाती हैं। ऐसे में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने और हर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आज हम इस वीडियो में आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिसे शरद पूर्णिमा की रात जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त। बता दें, इस साल कोजागर पूजा शुक्रवार यानी 30 अक्टूबर को की जाएगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 30 अक्टूबर 5:45 से लेकर इसका समापन 31 अक्टूबर को रात 8:08 पर होगा। कोजागर पूजा का निषिद्ध काल रात 11:39 से 31 अक्टूबर की प्रातः 12:31 तक रहेगा। कोजागर पूजा के दिन चंद्रोदय शाम 5:11 पर होगा। तो चलिए आगे आपको इसके उपाय बता दें। प्रतिवर्ष किए जाने वाला ये कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इस रात माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर इनसे सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी समृद्धि तो देती ही हैं और शरीर का अंत होने परलोक में भी सदगति प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी के स्वागत करने के लिए पूर्णिमा की सुबह स्नान कर तुलसी को भोग, दीपक और जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। बता दें, धन लक्ष्मी के वृद्धि के लिए इस पूर्णिमा की रात देर तक जागने के अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लिए बिना नहीं सोना चाहिए। रात में जगने की वजह से इसको कोजागरी पूर्णिमा यानी जागने वाली रात भी कहते हैं। इसके अलावा शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाने का भी विधान है। इस रात खीर को पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चांद की किरणें अमृत बरसाती हैं और खीर में अमृत का अंश मिल जाता है। इसके सेवन से हमारे शरीर से विषाणुओं का अंत होता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से सभी कर्जों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति कर्जों से परेशान है तो उन्हें इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।